जय बाबा ओरफानी जी की। कैसे हैं आप सब? दुआ करते हैं भगवान अमरनाथ जी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा में जूते कैसे खरीदें। बजट जूते के प्राइस भी बताऊंगा मैं आपको, महंगे से महंगे भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन जूते किस टाइप के खरीदने हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ, आपको दूसरा वीडियो बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इस वीडियो को बना कर दिखाऊंगा, जो कि हमारे साथ वाले 10 से 12 साल से अमरनाथ यात्रा पर कंटिन्यू जा रहे हैं, तो उसके बेहब पे ये वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है जी। तो गई सी इसमें आपसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, प्लीज़ अपने स्टेट का नाम मेंशन ज़रूर करें। इससे ये पता चलता है सबसे ज़्यादा यात्री कौन से स्टेट से आते हैं, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा में, एक तो देखो बर्फ़ भी पड़ती है वहाँ पर, तो बर्फ़ में भी ठीक ठाक जूते रहे, और दूसरी बात बर्फ़ के साथ साथ वहाँ पर आपको फिसलन भरे पहाड़ और फिसलन भरे जैसे कि वो जो पत्थर होते हैं वहाँ पर भी आपको चलना होता है, और पत्थरों में भी चलना होता है अमरनाथ यात्रा में, जैसे कि मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो हो गया अपना बर्फ़ और फिसलन भरी बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, वहाँ से निकलना होगा, और अपना बर्फ़ की चट्टानों के साथ साथ पत्थर वगैरह होते हैं और फिसलन भरी जगह होती है। फिसलन भरी की जगह जगह के साथ साथ आपको कुछ जगह ऐसी भी आएगी जहाँ पे दलदल टाइप का कुछ ज़्यादा ही मतलब कि ख़राब रास्ता मिलेगा, ठीक है जी। तो इन कंडीशन में जूते आपको कैसे खरीदने हैं, तो गाइस सबसे पहला काम आपने जूते खरीदने हैं फीते वाले, विदाउट फीते वाले अपने जूते नहीं खरीदने हैं। फीते वाले जूते ये है कि आप कस के उसको बांध सकते हो, ठीक है जी, और कस के बांधने के बाद में आपका जो पैर है जूते से फिसलेगा नहीं और आप अच्छे से ट्रैकिंग कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं जूते, देखो फीते वाले आपने ले लिए, फीते के साथ साथ और क्या देखना है आपने, जूते की ग्रिप देखनी है। ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया ग्रिप होनी चाहिए। एक तो होते हैं स्पोर्ट्स शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं चलेंगे, ठीक है जी, नहीं चलेंगे। ग्रिप थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ग्रिप आपने देख लेनी है, ठीक है जी। तो ग्रिप वाले जूते आपने ख़रीदने हैं अच्छी ग्रिप के साथ साथ। और वहीं अगर आपको मैं सबसे सस्ते जूते की बात करूँ, जो कि सबसे सस्ते जूते आते हैं गोल्ड स्टार के, गोल्ड स्टार के जूते आप घर से भी खरीद सकते हैं, आप पहलगाम और बालटाल से भी खरीद सकते हैं। अगर आप बैग में रख करके नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप बालटाल और पहलगाम से कहीं से भी आप जूते खरीद सकते हैं, जूते बहुत ही आसानी से वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो गोल्ड स्टार के जूते बहुत बढ़िया होते हैं, और उसमें डॉट डॉट जो होते हैं ना, और हल्का जूता होता है बहुत ज़्यादा। तो जूते में अगर आप खरीद रहे हैं तो जूता हल्का ही खरीदना है, हल्का जूता। देखो एक तो अगर आपका पैर जैसे गीला हो जाता है या दलदल से निकलते हैं, कीचड़ से निकलते हैं, तो आपका पैर जो है भारी नहीं होएगा। वहीं एक चीज़ आपने और भी ध्यान में रख लें, जूता आपका कपड़े वाला नहीं होना चाहिए, कपड़े का जैसे पूरा जूता होता है तो गीला हो जाएगा और आपका जो है जूता पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। तो कपड़े के जूते नहीं हो, अपर वाला जो जूता होता है, अपर होता है उसके ऊपर, वो खरीदना है। और एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, ठीक है जी, ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दूसरा आपने किसी अदर चैनल पे देखा होगा, किसी ने नहीं बताया होगा, अगर देखा हो बताया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। देखो जूते आपके किसी भी टाइप के हों, बस ग्रिप अच्छी हो, और वाटरप्रूफ जूते बताए जाते हैं, तो अपर वाले जूते आपने ख़रीदने हैं। वाटरप्रूफ जूते स्पेशली नहीं बनते कोई भी पॉलीथीन वगैरह से, ठीक है जी। तो अपने वाटरप्रूफ जूते अपने कैसे बनाने हैं खुद से, देखो जो सब्जी लेकर के आते हैं पॉलीथीन होती हैं, वो अपने 4-5 या 2 पॉलीथीन अपने बैग में रख लेनी है स्पेशली, ठीक है जी, बैग में रख लेनी है। अब उसको आपने कैसे पहनना है, देखो पहले अपना जूता जैसे कि एक मोजा पहनना है, मोजे पहनने के बाद में पॉलीथीन पहन लेनी है, ठीक है जी। पॉलीथीन के ऊपर से आपने जूता जूता नहीं एक मोजा और पहन लेना है, कहने का मतलब डबल मोजे पहनने हैं, डबल मोजों में अंदर बीच में आपका पॉलीथीन होनी चाहिए। अब क्या होगा आपका, जैसे आपका अंदर का जो पैर में मोजा पहनेंगे वो गर्म रहेगा, पॉलीथीन पहन लेंगे उसके ऊपर मोजा पहन लेंगे, फिर आप जूते पहनेंगे तो क्या होएगा आपका, आप कितने भी कीचड़ भरी जगह में चलेंगे, कितने भी फिसलन भरी जगह में चलेंगे, कितने भी बारिश आ जाए, लेकिन आपका जो पैर है इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होएगा। पहली बात तो ख़राब होएगा ही नहीं, ठीक है जी, भूल ही जाएगी ख़राब होएगा, तो ख़राब नहीं होगा, आपका पैर ही पूरा वाटरप्रूफ बन जाएगा। तो ये तरीका जो है हम लोग अपनाते हैं, ये लोग गाँव में भी जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे इस तरीके से। बाकी आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आप अपनाने वाले हैं तो। बेशक आप ना पहने इस तरीके से, लेकिन पॉलीथीन आप ज़रूर लेकर के जाएं, क्योंकि वहाँ पर जब हालात जब बिगड़ते हैं ना, जूते ख़राब हो जाते हैं, तो आपका मन भी नहीं करता कि पहने या ना पहने,
तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास पॉलीथीन होगी तो एक मोजा पहन करके दूसरे, मतलब कि फिर पॉलीथीन पहन लेंगे फिर मोजा पहनेंगे। अगर आप मोजे पहन के पॉलीथीन पहन के फिर जूता पहनेंगे ना, तो पॉलीथीन के साथ में आपका पैर फिसलेगा जूते के अंदर बहुत ज़्यादा, फिर उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा, कोई पहनने का फ़ायदा नहीं होगा। पॉलीथीन पहनने के बाद में मोजा आपने ज़रूर पहनना है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्त यार भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेट पे, तब तक के लिए थैंक यू। बोलो हर हर महादेव, जय और फनी।